सारयां नूं यीशु दी सुख दी। अज मैं तुहाडे नाल धन शहीद रानी मरिया बारे कुछ विचार सांझे करना चाहती हाँ। धन रानी मरिया जो कि भारत की पहली शहीद है, 25 फरवरी नूं ए उस समय बहुत ही खौफ भरी घटना सी कि एक सिस्टर दा कतल हो गया। पर अज असीं बड़ी शान नाल कहिंदे हाँ धन शहीद रानी मरिया, जिसका शहीदी दिन अज असीं मना रहे हाँ। ये वो महान शहीद है जिसने प्रभु के प्यार नूं बहुत नेड़ियो अनुभव किया, प्रभु का उही प्यार उसके दिल विच अज अग वांग सुजल गया है, जिसनों वो सिर्फ अपने तक ना रख सकी बल्कि वो हर एक दे नाल सांझा करती रही। जी हाँ, धन शहीद रानी मरिया ने अपना जीवन तक प्रभु के प्यार लिए त्याग दिता। बचपन विचों मेरी गुड्डी के नाम से जानी जाती सी। उसका जन्म खैरला विच बैठाई परिवार विच पाली अते अलिशपति घर होया। बचपन तो ही मेरी गुड्डी यानी कि छोटी मेरी प्रभु के प्यार नाल भरपूर सी। वो लोड़वंदा की मदद करती सी, जेकर कोई उहदे घर कुछ मंगण लई आ जाता तो छोटी मेरी कदी उहनां नूं खाली हथ ना भेजती। वो हर रोज़ शाम नूं परिवारिक प्रार्थना विच भाग लैंदी, हर रोज़ पाकमास की कुरबानी लई जाती। 10वीं की प्रीख्या तो बाद वो FCC जमात विच दाखिल हुई और सिस्टर बनने की पढ़ाई शुरू की। FCC का धार्मिक झोला ग्रहण करके उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। उसका समाज सेवा प्रति लगाव देख के सिस्टर ने उसे बिजनौर डायसिस विच कर लिया, जो कि मध्य प्रदेश विच है। उत्ते उसने बिजनौर, उदगड़ी अते उदयनगर विच सेवा की। उत्ते लोकां दी दशा बहुत ही दुखदायक सी। अनपढ़ता करके लोकी अमीरां अते जमींदारां दे जाल विच फसे हुए सन। उत्ते ना तां पढ़ाई दा, ना सड़कां, ना हस्पतालां, ना पानी अते सफाई दा कोई प्रबंध सी। सिस्टर रानी मरिया ने लोकां दा दिल जीत के उन्होंने यादृत करना शुरू किया। उसने कई संगठ बनाए जिवें कि सेवा समिति, महिला मंडल, युवा समिति आदि। सरकार की मदद नाल उन्होंने कट ब्याज से समय सिर पैसे दवाए, ताकि मजदूर अते किसान अपने आप बीज खरीद के अपनी खेती शुरू कर सके, जमींदारां दे चुंगल तो बच सके। ये सब देख के जमींदारां दा खून खुल उठिया अते उन्होंने सिस्टर रानी मरिया नूं मारन दी व्यूहत बनाई। 25 फरवरी 1995 नूं जदों रानी मरिया केरला मीटिंग लई जा रही सी, शाहूकारां ने समुंदर सिंह नूं पैसे दे के सिस्टर रानी मरिया नूं बस विच ही खत्म करन लई कहा। समुंदर सिंह सिस्टर रानी मरिया नूं चाकू मारे बस विच बाहर खिंच लियाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 54 बार चाकू मार के सिस्टर नूं लहू लुहान कर दिता। अते सिस्टर ने यीशु मरियम जोसफ बोल के अपनी जान दे दिती। प्रभु दा वचन जो हमेशा दोहराउंदी पूरा होया। प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है क्योंकि उसने गरीबां नूं खुशखबरी सुनाउण लई मैनूं मसाह किया है। उसने मैनूं कल्या है कि मैं कैदियां नूं रिहाई देवां अते अन्यां नूं सजाखे होण दा ऐलान करां अते दबे होए लोकां नूं आयात करां। प्यारियो, रानी मरिया अज भी जिंदी है क्योंकि वह प्रभु तो साडे लई फसलां दी बरसात करती है। आओ असीं उसदे जीवन नूं अपनाइए, प्रभु दे प्यार नूं लोकां विच वंडिए अते अपने वैरियां नूं माफ करिए।